नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। थाना कोतवाली क्षेत्र में स्थापित एक निजी अस्पताल में प्रसव होने के बाद प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के सामने ही मृतका का शव रखकर हंगामा काटा। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया है। वहीं मृतका के परिजनों की ओर से थाने पर तहरीर दी गई है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें नगर के आगरा रोड बड़ी खानगाह के पास स्थित प्राइवेट अस्पताल केयर हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। आखिरकार बता दें कि यहाँ ऐसी तस्वीरें क्यों देखने को मिली हैं। लंबे समय से यहाँ निजी अस्पताल संचालित हो रहा था, लेकिन यह अस्पताल 16 जुलाई के दिन अचानक सुर्खियों में आ गया, क्योंकि यहाँ एक प्रसव कराने आई प्रसूता की मौत हो गई थी। बता दें कि थाना बिछुआ क्षेत्र के ग्राम दखली निवासी सुधीर यादव अपनी 20 वर्षीय पत्नी शिवानी को प्रसव पीड़ा होने के चलते 13 जुलाई के दिन किसी के कहने पर केयर हॉस्पिटल में लेकर आए थे। यहां अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर राहुल यादव की ओर से उन्हें भर्ती कराया गया, जिसके बाद 14 जुलाई के दिन प्रसूता का प्रसव कराया गया। प्रसव के दौरान प्रसूता शिवानी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद से उसकी हालात बिगड़ने लगी। और हालात बिगड़ने के बाद जब परिजनों ने चिकित्सक राहुल यादव से उसकी हालात बिगड़ने के बारे में जानकारी जुटाई, तो चिकित्सक ने कोई भी जानकारी नहीं दी। मृतका के परिजनों का कहना है कि जब मृतका की मौत हो गई थी तो उसके बाद चिकित्सक की ओर से उसे सैफई के लिए रेफर कर दिया गया था। परिजन उसे चिकित्सक के कहने पर सैफई लेकर गए। यहां सैफई में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद यहां मृतका के परिजनों ने अस्पताल के सामने ही मृतका के शव को रखा और हंगामा करना शुरू कर दिया। पहले से ही यहां पुलिस बल की मौजूदगी थी, जिसके चलते पुलिस कर्मियों ने परिजनों को सांत्वना देकर समझा बुझाकर मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मृतका के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अब मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी होने पर यह भी पता लगा है कि अस्पताल संचालक राहुल यादव एक सरकारी चिकित्सक है, उसके बावजूद भी प्राइवेट अस्पताल को संचालित कर रहे हैं। यह भी अपने आप में एक गैरकानूनी बात है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मृतका के पति सुधीर यादव और मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव राय ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। सुधीर जी, आपकी पत्नी की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये है, मैंने इनसे कहा कि अगर आपके बस की ना हो तो ट्रांसफर कर दो कहीं दूसरी जगह पर, आगरा कर दो या सैपई कर दो, कहीं भी कर दो, हम वहीं जाने को तैयार हैं। लेकिन अगर आपके बस की ना हो, क्या नहीं, ये बेल्ट टाइट बांधने की वजह से ये कंडीशन हो रही है। फिर उसके बाद नाक से पानी आने लगा, तो इनसे कहा तो इन्होंने कहा सब बाहर चलो, मैं सब देख लूँगा, सही हो जाएगा सब। उसके मतलब उसी टाइम से जैसे ही बंद हुआ पानी, वैसे ही सांस आना बंद ही हो गई। कौन से हॉस्पिटल में आपने, क्या समस्या क्या थी आपकी पत्नी? उनको प्रेग्नेंट थी तो डिलीवरी के लिए लाया था। डिलीवरी हो गई थी? डिलीवरी हो गई थी कंप्लीट। कब हुई थी डिलीवरी? ये डिलीवरी हुई थी 11:48 पे 14 तारीख को। तो क्या लगता है कि आपकी पत्नी की मौत जो हुई है इनकी वजह, अस्पताल की वजह से हुई है? अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं, प्रशासन उसकी कार्रवाई हो ना इसके, इनके खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई। हाँ, प्रशासन प्रशासन देखे ना इसको अपने हिसाब से। अभी तक कागज भी नहीं दिया, कागज देना चाहिए ना इन लोगों को। तो क्या लगता है कि इन्होंने जानबूझ के हत्या कर दी? जानबूझ के की है। चिमू साहब, एक केयर हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हुई है प्रसव के दौरान, क्या माने इसकी लापरवाही किसकी है? अभी अभी इस मामले के बारे में पता लगा है, अभी मैं पेपर निकलवा रहा हूँ कि इसमें हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, और जो भी उचित कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी। परिजनों द्वारा भी इस संबंध में कोई शिकायत भी नहीं की गई, अभी भी तुरंत मुझको पता लगा इसके बारे में। शहर में तमाम अनऑफिशियली हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, किसकी शह पे हो रहे हैं? क्या लग रहा है कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं? बीच बीच में चेकिंग अभियान चलती है, और जब भी जो इसमें अवैध रूप से पकड़ा जाता है उनको सील भी किया जाता है, लाइसेंस भी निरस्त किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी एक दयानिधि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल करके सील किया गया था, तो कार्रवाई होती रहती है, बीच में जैसे भी सूचना मिलती रहती है, और खुद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम चेक करती रहती है नोडल अधिकारी पंजीकरण, और जो भी मिलता है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। सरकार के आदेश है, सरकारी डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में नहीं देखेंगे, यहाँ सरकारी डॉक्टर बैठते हैं, उनने जिम्मेदारी ली थी। नहीं, इस तरह की तो कोई जानकारी नहीं, इसकी भी जांच कराई जाएगी कौन बैठता है सरकारी डॉक्टर वहाँ पर। अगर बैठते हैं तो उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ क्या कार्रवाई ले रहा है स्वास्थ्य विभाग? अगर जांच में दोषी पाए जाएंगे, पंजीकरण होगा तो निरस्त किया जाएगा, और नहीं होगा तो FIR या जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी तत्काल में जो लोग वहाँ हंगामा कर रहे हैं अस्पताल के बाहर, उनको लेकर क्या कहें स्वास्थ्य विभाग करेगा? अब अभी तो मैं मेडिकल टीम वहाँ पे भेजूंगा, जो नोडल पंजीकरण है वहाँ पे जाकर के प्रथम दृष्टया क्या मामला है क्या नहीं, प्रारंभिक जांच करके बताएंगे क्या है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।